करी साइन और सल्लू ला रहे हैं दो बड़ी घोषणाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे ऋतिक बहुत कम फिल्में करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं धमाल मचा देते हैं। हाँ, बट उनके फैंस उनसे बहुत नाराज हैं कि इतनी कम फिल्में क्यों करते हो। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन जल्द ही सुपर टीस में दिखने वाले हैं और वो जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं। बट उनका काफ़ी अरसे से एक दिल करता है कि वो एक हल्की फुल्की मसालेदार फिल्म करें, इसीलिए तो उन्होंने रोहित धवन की फिल्म को साइन कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोहित धवन प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं और इन दोनों के खून में ऐसी मसालेदार फिल्म बनाना तो लिखा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म वो बना रहे हैं इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला होंगे और ऋतिक इस फिल्म में खूब डांस और स्टंट करते दिखाई देंगे, इसलिए तो उनका मन पूरा हो गया और वो एक मसालेदार फिल्म आप लोगों के लिए लेकर भी आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे भाईजान की। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि बस कुछ ही समय बाकी है और हमारे भाईजान उनका जन्मदिन भी आने वाला है। कब है उनका जन्मदिन आप मुझे बताइए? 27 दिसंबर को। तो दोस्तों, इस दिन के लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि इस दिन सल्लू दो बहुत बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं। पहला ये, वो अपनी फिल्म इंशाल्लाह की घोषणा करने वाले हैं जिसके निर्देशक संजय लीला बंसाली हैं। दोस्तों, आपको पता है ना, संजय लीला बंसाली और सलमान खान पहले बहुत सारी फिल्में साथ कर चुके हैं। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं, एक तो हम दिल दे चुके सनम, खामोशी, और दोबारा वो आपको एक बार फिर एक नई मूवी में लिखने वाले हैं इंशाल्लाह। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस दिन एक और घोषणा होने वाली है। सलमान खान दबंग 3 की घोषणा करने वाले हैं, यानी कि वो उस दिन दबंग 3 की रिलीज डेट बताएंगे। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दबंग 3 2019 के क्रिसमस तक रिलीज हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों के लिए? अपना जवाब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।